नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तंवर और आप देख रहे हैं आर डिजिटल गाइड। दोस्तों, आज के समय में भी वर्ल्ड में कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मेजरली यूज़ किया जाता है, और इनमें से विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट के काफ़ी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स रहे हैं, जिनमें विंडोज़ 7 काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि इसकी सपोर्ट अब बंद हो चुकी है, जो कि 2020 में ही जनवरी 14 में बंद हो गई थी। माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट ऑफ कर दी थी इसकी। इसके बाद इसके जो सर्विस पैक वगैरह थे, वही आप नेट से डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो। इसके बग्स वगैरह फिक्स किए, फीचर्स अपडेट किए, अपडेट भी किए, अपग्रेड भी किए, और न्यू अपडेट वगैरह भी उसमें दिए। तो ये विंडोज 7 आज भी मेजरली काफ़ी सिस्टम्स में विंडोज 7 यूज़ किया जाता है एज अ कंप्लीट OS के तौर पे। उसमें मैक्सिमम फीचर्स आपके चलते हैं और मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो थोड़े सिस्टम लो कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, अगर जिनके सिस्टम में चल जाता है विंडोज 7, लोग प्रेफर करते हैं कि विंडोज 7 ही यूज़ करें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसकी अपडेट्स वगैरह हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने कंप्यूटर पर विंडोज़ यूज़ करते हो और आपको प्रॉब्लम होती है कि विंडोज़ अपडेट कैसे करूं, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर वे आपको नहीं मिल पाता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे आप अपनी विंडोज़ को सर्विस ऑफ होने के बाद भी आप इसको कैसे अपडेट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये एक साइट है, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप, 3-4 स्टेप हैं इसके थ्रू, आप अपनी विंडोज़ जो है विंडोज़ 7 उसको आप अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चेक करना होगा आपका विंडोज़ जो आपके पास करंटली इंस्टॉल्ड है उसमें सर्विस पैक इंस्टॉल है या नहीं। तो आप उसको कैसे चेक करेंगे, आप राइट क्लिक करें माई कंप्यूटर पर, प्रॉपर्टीज़ में जाएँ, और यहाँ पर आपको दिख जाएगा विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1 इंस्टॉल है इसमें, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 64-bit है या 32 है। अगर आपका 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो आपको फिर 32-bit वाली अपडेट्स डाउनलोड करनी होंगी, और अगर आपका 64-bit आपका यहाँ शो कर देता है तो आपको 64-bit वाली अपडेट्स डाउनलोड करनी होगी। के बाद हम थर्ड वाला जो ये स्टेप होगा सर्विस स्टैक, इसमें आप जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से शो होगा यहाँ पर वेबसाइट में, और आपको यहाँ पर लिंक होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप ये ओपन हो जाएगा। आपके पास अगर 64-bit वाला सिस्टम है तो आप ये अपडेट डाउनलोड कर लेना, अगर आपका 64-bit नहीं है, 32-bit है, तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों हमें नहीं करनी, क्योंकि ये विंडोज़ सर्वर के लिए हैं, जो उस टाइम के विंडोज़ सर्वर थे उसके लिए अपडेट आए हैं दोनों। इसके बाद इसका जो थर्ड स्टेप है सर्विस पैक 1 कन्वीनियंस रोल अप, इसमें क्या होगा कि आपको जब आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये वेबसाइट यहाँ पर पहुँच जाएगी, इस जगह पर, इसी में स्क्रोलिंग में दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पर स्क्रोलिंग में दिया हुआ है सारा ये। तो ये जैसे आप यहाँ चेक करेंगे ये आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको सर्विस पैक रोल अप में, तो आपको ये इस तरह से विंडो खुल जाएगी यहाँ पे। इसमें आपको क्या करना होगा, ये 32-bit वाला ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है, ये विंडोज़ सर्वर के लिए है, और ये 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखा हुआ है विंडोज 7 64-bit। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और नेट कनेक्ट करके इसको इंस्टॉल पर डाउनलोड करके लगा देना पहले, फिर उसके बाद इंस्टॉल पर लगाना होगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपडेट्स के लिए कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। विंडोज़ 7 में आप इस पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक कीजिए, ये आपको शायद ऐसे कैटेगरी में ऐसे शो होगा, तो आप कैटेगरी पे क्लिक करें, लार्ज आइकन पे क्लिक करें, अपडेट पे क्लिक करें, अपडेट में इसमें आप चेक कर सकते हैं व्यू अपडेट हिस्ट्री। व्यू अपडेट हिस्ट्री में आपको दिखाएगा कि कितनी अपडेट्स हो चुकी हैं इसमें। तो ये इसके बाद आप इसमें चेंज सेटिंग भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद जब आप वो कन्वीनियंस रोल अप कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड अपडेट्स, बट लेट मी चूज़ वेदर टू इंस्टॉल देम। इससे जो भी अपडेट डाउनलोड होगी आप उसमें चूज़ कर सकते हैं कौन कौन सी अपडेट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और कौन सी नहीं करना चाहते, तो वो आप क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये वो कर देगा, लेकिन ये लास्ट का स्टेप है। तो अब आपको उसके बाद उसी इसमें जाना है जो आपने डाउनलोड करोगे, और उसमें स्टेप बाय स्टेप एक एक अपडेट्स डाउनलोड करते रहिए और इंस्टॉल करते रहिए।
यहाँ पे आप चेक अपडेट भी कर सकते हैं दोबारा से, यहाँ पे आप अपनी सेटिंग कर सकते हैं अपडेट के लिए। यहाँ पे आप कोई, आपने कोई, अगर आप कोई अपडेट इंस्टॉल नहीं करना चाहते, जैसे अपडेट करने से पहले अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप इसको राइट क्लिक करके हाइड की ऑप्शन होती है, आप उसमें हाइड कर देंगे तो वो रीस्टोर हिडन ऐप्स आप यहाँ पे शो होगी और आप यहाँ से उसको अनहाइड करके इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वो ये हिडन अपडेट्स लोग वो करते हैं, जो एक अपडेट होती है 971033 जो कि विंडोज़ जेन्युइन के लिए होती है। हालांकि ये जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने चाहिए, पायरेटेड नहीं करने चाहिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, तो उसमें दिक्कत करते हैं, तो वो लोग जनरली इसको क्लिक करके हाइड कर देते हैं ताकि वो ऑटोमेटिकली अपने आप इंस्टॉल ना हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इंस्टॉल्ड अपडेट शो करेगा। अगर कोई अपडेट आपसे इंस्टॉल हो जाती है और आप नहीं चाहते कि वो अपडेट इंस्टॉल हो, तो आप यहाँ से क्लिक करने के बाद जैसे ही ओपन होगा पूरा, तो यहाँ पे आप सिंगल क्लिक करके उसको आप अपडेट को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा शायद टाइम लेगा। ये जैसे अपडेट अभी शो कर रहा है ना, आप इस पर राइट क्लिक, इस पर क्लिक करेंगे अनइंस्टॉल अपडेट करेंगे तो अपन इंस्टॉल भी कर सकते हैं अपडेट। कोई अपडेट आपसे गलती से इंस्टॉल हो गया या आप नहीं करना चाहते तो उसे आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक, ये लिंक शो कर दूंगा, आप वहाँ से स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लीजिएगा वीडियो चेक करते हुए। और इसके अलावा दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।